अभी तक देश में ये बहस चल रही थी ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या में से सही कौन है, गलत कौन है, लेकिन अब एक नई बहस और खड़ी होगी क्योंकि सोशल मीडिया पर कई सारे एफिडेविट वायरल हो रहे हैं। उसमें कई एफिडेविट जयपुर के बताए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे एक पति ने शादीशुदा पत्नी को सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, दूसरे एग्जाम की तैयारी के लिए भेजा जयपुर, और वो एफिडेविट में लिख कर दे रही है कि अगर उसकी नौकरी लग गई तो वो उसे छोड़ेगी नहीं, और छोड़ेगी तो मुआवजा देगी। अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया पर कई सारे मैसेज वायरल हो रहे हैं। पूरे देश भर के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा डिबेट पॉइंट है कि ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या में से सही कौन है, गलत कौन है, और इसका असर क्या पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या के अंदर ग्रामीण परिवेश से आते हैं स्टूडेंट्स, आते हैं कई लड़कियां भी होती है जो शादीशुदा भी बड़ी संख्या के अंदर आती है और यहां पर तैयारी करती है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। हम इस वक्त जयपुर के अंदर उसी कोचिंग हब के अंदर है, ये जयपुर का जो गोपालपुरा बाईपास रोड है, पूरा कोचिंग हब है, यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्लासेस छूट रही है तो अलग अलग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे, ओपिनियन देंगे कि आखिर उनकी राय क्या है और दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है। आप बताएं, क्या नाम आपका? मेरा नाम है पूजा सिंह राजपूत। अच्छा पूजा जी, ये बताएं कि ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या दोनों में से किसको सपोर्ट करती है? मैं आलोक मौर्या को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि ज्योति मौर्या की इस हरकत की वजह से गर्ल्स पे काफी बुरे इफेक्ट पड़ रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उससे फैमिली अगली हर लड़की की गलती बता रही कि हर लड़की ऐसी होती है, तो ये चीज गलत है। आलोक मौर्या की सपोर्ट में हूँ सर मैं। अच्छा आपको जब पढ़ने के लिए आई घर पे, तो घर वाले अब कुछ सवाल पूछते हैं ये इस केस के बाद में, या लोग कहते हैं? हाँ सभी कहते हैं, आसपास का एनवायरनमेंट भी खराब हो ही रहा है कि हाँ लड़कियों को मत पढ़ाओ, लड़कियों को घर में रखो वरना आगे भी ऐसा ही होगा, ये केस बार बार सामने आएंगे, ये चीजें हो रही है सर। सफाई देनी पड़ रही है घर पे? घर पे सफाई देनी पड़ रही है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर कोटा जिले से हूँ, लेकिन हम यहीं रहते हैं, हमारा घर है यहाँ पे जयपुर में। कोटा से हैं आप? बताएं आपको क्या लगता है कि जी आप ये जो पूरा केस है ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या, अब इसके बाद में आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे ऐसे एफिडेविट वायरल हो रहे हैं, आपके जयपुर के इसी इलाके के बताए जा रहे हैं कुछ एफिडेविट, एक बात बताएं, एक तो क्या एफिडेविट की सच्चाई क्या, क्या आप में से जहां पढ़ रहे हैं वहां पर किसी लड़की ने, शादीशुदा लड़की ने ऐसे एफिडेविट दिए हैं जिसमें उसने कहा है कि वो अगर वो उसकी नौकरी लगती है तो वो अपने पति को नहीं छोड़ेगी? बिल्कुल, अभी ये केस सामने आने के बाद में पूरा समाज का वातावरण खराब हो रहा है, और लोगों में ऐसा अभी तक एफिडेविट बनाने का मामला तो सामने नहीं आया, बाकी लड़कियों में वगैरह बातें चल रही है ऐसी कि एफिडेविट वगैरह बनाने, अभी इन फ्यूचर हमारी पढ़ाई होगी नहीं होगी, हमारा क्या होगा करके ऐसे केसेस। और रही बात ज्योति मौर्या की, तो इनकी वो पर्सनल लाइफ से ऐसे पूरे समाज में ये मामले सामने आकर गलत इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीजें गलत है, और इसके लिए लड़कियों के फ्यूचर में कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो ऐसे मामलों को ज्यादा तो उछाल नहीं चाहिए, और देखते हुए वो उनका पर्सनल मामले को साइड में रखते हुए उन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। तो आपको क्या लगता है, ये पर्सनल मामला है? नहीं, ये पर्सनल तो नहीं है, देखा जाए तो इस आज के मामले को देखते हुए ज्योति मौर्या ने जो भी किया है ऐसा और किसी को नहीं करना चाहिए, इस वजह से डरते हैं हर पति। अभी खानसर बिहार में एक इंस्टीट्यूट है खानसर का, उन्होंने खुद एक वीडियो डाला है, उस पे बताया है 93 पत्नी है, उनके पति उनको घर ले गए वापस ये कह के कि हमें वो नहीं मनना आलो। ज्योति मौर्या आपको लगता है कि गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए वैसे तो गलत है, उन्होंने गलत किया जो किया है, लेकिन आपको क्या लगता है ज्योति मौर्या गलत है? यस सर, क्यों लगता है गलत? क्यों सर, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, मतलब उनको इतना मेहनत करके उसने आलोक मौर्या ने पढ़ाया, तो ज्योति मौर्या को ऐसा नहीं करना चाहिए। आलोक मौर्या ठीक है क्योंकि आप मेंस है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है? मेंस नहीं, ये अधिकतर मैंने लड़कियों से भी सुना है, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता पर्सनली, जो शादीशुदा है उनके मुंह से भी सुना है कि नौकरी लगने के बाद इसको छोड़ देंगे हम, मैंने ये अफवाह बहुत पहले भी सुन चुकी है, लेकिन अब भी ये हो चुका है, तो ऐसे वैसे आलोक मौर्या सही है। और आपके यहाँ पर कोचिंग में कोई लड़कियों में ऐसी इस तरीके का डर है कि अब ये सब हो गया तो उन पे भी दबाव है? नहीं ऐसा नहीं, यहाँ तो अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ अधिकतर कोई शादीशुदा बहुत कम है, इसलिए। आपको क्या लगता है? हाँ सर बिल्कुल, आलोक मौर्या बहुत आलोक मौर्या बहुत सही आदमी है सर। आलोक सही है? हाँ सर। कैसे सर? वो तो आपको बताया कि सर वो तो आप बताएं, आप बताएं कि दो सवाल है, पहला तो ये बताएं कि ज्योति और आलोक में से सही कौन है? देखो पहलू के दो हिस्से होते हैं, अपन एक पर्टिकुलर एक ही प्रस्पेक्टिव से नहीं देख सकते, गलती दोनों की साइड से होती है। हाँ ये है कि अपन किसी को 100% गलत शो भी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन गलती जहाँ तक है ज्यादा मैम की है, तो
आई थिंक उनको। अच्छा एक बात बताएं कि आप कहाँ से आती हैं? यही जयपुर से, बाहर से कहीं से? जी मैं जयपुर से हूँ। अच्छा इस केस के आने के बाद मैरिड है या अनमैरिड है? जी अनमैरिड है। तो इस केस के बाद में क्या ऐसा असर पड़ा घर वालों में या सोसाइटी के अंदर दूसरे लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए? एक्चुअल में होता क्या है कि अगर जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं ऐसी चीजों में सोसाइटी एक्सेप्टेबल नहीं होती है कि लड़कियां बाहर जाके ऐसा कर रही है, तो वहां सोसाइटी एक्सेप्टेबल नहीं होती है, लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन आई डोंट नो क्योंकि मैं घर इस केस के होने के बाद घर नहीं गई, तो मेरे को पता नहीं है कि हमारी सोसाइटी में हो रहा क्या है, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, आई डोंट नो। आप यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करिए, आपके साथ में कई और गर्ल्स पढ़ रही होगी और काफी मैंने यहाँ पर सुना है कि मैरिड लड़कियाँ काफी आपकी तैयारी करने के लिए उन पर हर जगह ही आती है, मैरिड अनमैरिड हर जगह उन पर थोड़ा सा उनमें डर है या ऐसा सोचती है कि ये क्या है? देखिए सर एक्चुअल में हमारे कोचिंग में ऐसा कुछ मतलब इसके डिस्कशन होता नहीं है क्योंकि ऐसा कोई आर्ग्यू करने का टाइम होता नहीं है, सब लोग आते हैं अपना कोचिंग करके निकल जाते हैं, तो कोई आर्ग्यूमेंट ऐसा होता नहीं है सर। आप बताएं कि इस पूरे मामले में जो ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या उसके बाद में ऐसे एफिडेविट खूब सारे सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ जयपुर के भी बताए जाते हैं कि एक लड़की कह रही है शादीशुदा हूं मैं, अलग अलग नाम, एक का नाम सरोज बता रहे हैं, अलग अलग नाम है, जो ये कह रही है कि वो अगर उनके पति उनको पढ़ा रहे हैं और अगर उनकी जॉब लग जाती है तो वो नौकरी वो पति को नहीं छोड़ेगी और छोड़ती है तो कोई कह रही है 1 करोड़ का मुआवजा देगी। एक तो इसमें इन मैसेज में कितनी सच्चाई है, दूसरी बात है क्या असर पड़ रहा है इससे? ये सर सारगर्भित विषय बिना तथ्यों के आधार पर इस पर अपन निर्णय नहीं दे सकते, एक पारिवारिक मुद्दा है, जैसे आलोक मौर्या हुआ, ज्योति मौर्या हुआ, इन दृश्यों को देखकर अपन पूरे विश्लेषण पर नहीं उतार सकते कि या तो ज्योति मौर्या अपराधी है या आलोक मौर्या अपराधी, इनके लिए पूरा पारिवारिक विस्तार जो देखें उसके अनुसार अपन बोल सकते हैं क्योंकि ये सामाजिक रिश्ता परिवार पति पत्नी स्टार्टिंग से एक दूसरे की मदद करते आए, न कोई आलोक मौर्या ने नया प्रोसेस अपनाया न ज्योति मौर्या ने अवसर अपनाया, इसके बारे में अपने ये बोलना गलत है कि ज्योति मौर्या अपराधी है या ज्योति ये आलोक मौर्या अपराधी है। यहाँ पर काफी सारी गर्ल्स भी पढ़ने आती है, रूरल से अलग अलग जगह से आते हैं, आप सब लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, काफी वक्त लगता है, इसका इम्पैक्ट असर क्या पड़ रहा है आपकी मनोस्थिति पर? इस पर आज की वर्तमान परिस्थिति में देखे तो कहीं ना कहीं जो बच्चिया ग्रामीण परिवेश से यहाँ पढ़ने को आती है तो उनके लेकर मन में शंका पैदा होती है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा न हो जाए और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी मनोवृत्ति पैदा न हो, यही एक वर्तमान परिदृश्य का हिस्सा बनी हुई है। इधर आए आप भी राय रखें, ये बताएं कि अभी ज्योति मौर्या आलोक मौर्या वाला केस आपने सुना था? अच्छा इसका बताएं कि उसके बाद में आप शादीशुदा हैं या नहीं है? मैरिड नहीं है। उस केस का क्या असर पड़ा, क्या आपको लगता है कि उसके बाद में घर में बाकी परिवेश में कुछ असर पड़ा? नहीं। तो आप सोचती क्या, दोनों में से कौन सही है गलत है? गलत तो ज्योति मौर्या ही है। क्यों ज्योति मौर्या क्यों गलत लगती है आपको, ये बताओ, ज्योति मौर्या अपनी मेहनत से पढ़ी लिखी और वो पीसीएस अफसर बन गई, मेहनत ही है क्या उसमें, पैसे नहीं है क्या, हस्बैंड ने पैसे भी तो लगाए होंगे ना उसको पढ़ाने के लिए, पैसे लगे आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है उसकी? बिल्कुल। तो राजस्थान में तो कई ऐसे हैं जो बड़े अफसर बन गए और अपनी दूसरी शादियां कर ली। बिल्कुल सर, बहुत है ऐसे काफी लोग हैं, पर हमें मतलब ऐसे इशू को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, उनकी नॉर्मल लाइफ है वो है, पर इसको कुछ ज्यादा ही बढ़ के दिया जा रहा है क्योंकि लड़के भी अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं, यूँ नहीं है कि बहुत गलतियां करते हैं, लड़के भी गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पर माइलेज ले रहे हैं लड़के की, देखो उन्होंने पढ़ाया, ये लड़की का मुद्दा आ गया, इसको उछाल दिया, ज्यादा उछाल दिया, अरे अरे इनको ये बहुत बड़ा इशू लगता है तो लड़की वाला इशू भी आप उठाया करो, उसकी उस पर आप कभी कोई बात ही नहीं करते, लड़कियों की लाइफ नहीं होती कभी, उनके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था मतलब फिर भी। तो आप देखिए कि अलग अलग व्यू पॉइंट, आप तो व्यू पॉइंट आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर स्टूडेंट्स के अलग अलग व्यू पॉइंट आ रहे हैं, कुछ का ये कहना है कि ज्योति मौर्या सही है, किसी को लगता है कि आलोक मौर्या सही है, लेकिन इससे बड़ा जो सवाल है कि इसने असर कितना डाला देश भर में जो कोचिंग के अंदर तैयारी करते हैं, जो शादीशुदा लड़कियां जिनको कोचिंग में भेजा जाता है, और उसके बाद में इस मुद्दे के बाद में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एफिडेविट वायरल हो रहे हैं कि उनके पति उनसे एफिडेविट ले रहे हैं, हालांकि अभी तक उसमें सच्चाई हमें मिली नहीं है कि जो एफिडेविट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं क्या वो सच हैं, लग कम रहा है क्योंकि सच्चाई ऐसी कुछ सामने आई नहीं, लेकिन कुल मिलाकर मसला ये है कि इस पूरे मुद्दे ने पूरे देश भर में स्टूडेंट्स पर जो खासतौर पर जो कोचिंग के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं उन पर एक असर जरूर डाला, हालांकि इसमें ओपिनियन बंटी हुई है।